दोस्तों आज मैं आपको अगामा छिपकली के बारे में कुछ रोचक जानकारियां दूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। अगामा छिपकलियों को कभी कभी इंद्रधनुष छिपकली कहा जाता है। हालांकि अधिकांश छिपकलियां हरे और भूरे रंग की दिखाई देते हैं, लेकिन नर तेजी से अपने शरीर को नीला और उनके सिर को चमकीला लाल या पीला रंग में दिखा सकते हैं। अधिकतर अगामा छिपकली छोटे समूहों में रहते हैं। अगामा छिपकली के शरीर से अलग एक बड़ा सिर होता है, एक लंबी पूंछ, अच्छी तरह से विकसित बाहरी कान, खुलने और पलके होती है। नर छिपकली का अधिकतम आकार 25 सेंटीमीटर होता है, जबकि मादा छिपकली का 20 सेंटीमीटर तक हो सकता है। दोस्तों मादाएं 14 से 18 महीने की उम्र में यौन परिपक्व हो जाती हैं। दोस्तों क्या आपको पता है, नर और मादा जब भी संभोग करते हैं तो नर छिपकली मादा छिपकली के गर्दन को पकड़ लेता है और अपना पैर मादा की पीठ पर रख देता है और उसके बाद ये लोग संभोग करते हैं। इनका संभोग 1 से 2 मिनट तक चलता है। मादा अपने अंडे एक छेद में देती है, जिसे वो अपने थूथन और पंजों से खोदती है। छेद 5 सेंटीमीटर गहरा होता है और रेतीली गीली नम मिट्टी में पाया जाता है, जो लगभग पूरे दिन सूरज की रोशनी के संपर्क में रहता है और कूड़े या घास से ढका होता है। दोस्तों क्या आपको पता है, ये छिपकली लड़ने के दौरान नर अलग अलग रंगों को प्रदर्शित करते हैं, जिसका मतलब होता है लड़ाई, झगड़े, धमकी, लड़ाई की एक श्रृंखला होती है। अगामा छिपकली मुख्य रूप से कीट भक्षी होते हैं। हालांकि अगामा को छोटे स्तनपाई, छोटे सरीसृप और वनस्पति जैसे फूल, घास और फल खाने के लिए जाना जाता है। उनके आहार में मुख्य रूप से चींटियां और टिड्डे और दीमक शामिल होते हैं। अगामा छिपकली वनस्पति में एक चट्टान के नीचे या छाया में बैठता है और अपने शिकार का तब तक इंतजार करता है जब तक कि उसका शिकार उसके पास नहीं आ जाता है, और जैसे ही कोई शिकार उसके पास पहुंचता है वैसे ही ये छिपकली उस पर अटैक कर देता है। तो ये अपने चिपचिपे जीभ को बाहर निकाल के अपने शिकार को पकड़ लेता है। इस छिपकली की जीभ बहुत चिपचिपी होती है, जो कि इसको शिकार को पकड़ने में मदद करते हैं। इस छिपकली का जीभ बहुत चिपचिपा होता है, यह छिपकली को चींटियों और दीमक जैसे छोटे शिकार को पकड़ने में मदद करता है। अगर इसके जीवन काल के बारे में बात करें तो ये छिपकली करीब 5 से 10 साल के बीच जीवित रहती है। तो दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।